दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में, फ्री ऑनलाइन लर्निंग क्लास में। आज का हमारा टॉपिक होगा मोडल्स में कैन कोड का सही यूज करना सीखे। सो दोस्तों, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको टेंस के बारे में पूरा टेंस समझा चुका हूँ। अब हम अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मोडल्स सीखेंगे। सो सबसे पहले हम मोडल्स में कैन कोड के बारे में सीखेंगे। पहले हम कैन के बारे में सीखेंगे। कैन क्या होता है, कैन का कहाँ यूज करना है। कैन का अर्थ सकना होता है और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। इसके प्रयोग निम्नलिखित है, हम एग्जांपल देखते हैं जैसे कैन का यूज कहाँ होगा। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, कैन का ये यूज होगा शक्ति या सामर्थ्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर एंड एबिलिटी के लिए यूज होता है। जहाँ पर पावर और एबिलिटी यूज होता है, जहाँ ये आता है, तब हमें कैन का यूज करना होता है। जैसे वह अच्छी तरह अंग्रेजी भाषा बोल सकती है। तो यहाँ पर क्या, किस बात, यहाँ एबिलिटी की बात की जा रही है। तो जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो शी कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज वेल। तो इन जगहों पर हमें ऐसे कैन का यूज करना होता है क्योंकि यहाँ पर एबिलिटी की बात की जा रही है। जैसे वह आसानी से भारी सामान उठा सकता है, यहाँ पर पावर की बात की जा रही है। तो हमने क्या सीखा था, कैन का यूज कहाँ होगा। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पावर और एबिलिटी के लिए। तो ही कैन ईजली लिफ्ट हैवी वेट। हम अपने पॉइंट बी पे चलते हैं। पॉइंट बी में कैन का यूज परमिशन के लिए होता है। अगर हमें कोई भी परमिशन लेनी हो तो हम कैन का वहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, तुम अब इस काम को छोड़ सकती हो। तो हम यहाँ पर क्या है, परमिशन दे रहे हैं। नाउ यू कैन लीव दिस वर्क, तुम अब घर जा सकती हो। यू कैन गो होम नाउ। सो आप देख सकते हैं दो सेंटेंस में हमने परमिशन के लिए कैन को यूज करा है। सो हम थर्ड देखते हैं। थर्ड, कैन का यूज निषेध के लिए होता है, मतलब मनाई या मन आज्ञा को ना मानने का। अगर कोई आज्ञा को मनाई के लिए यूज होता है, इसके सुधिंदी बताऊं तो, जैसे तुम यहाँ पर नहीं सो सकते हो, तो ये कैश आज्ञा के लिए, यू कैन नॉट स्लीप हियर, मैं उस पर अब अधिक विश्वास नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बिलीव अपॉन हर एनी मोर। सो हमने क्या क्या सीखा कैन के यूज में। हमने पहला सीखा ये एबिलिटी के लिए यूज होता है और पावर के लिए। सेकेंड हमने सीखा कि ये हमारा परमिशन के लिए यूज होता है। सेकंड, थर्ड हमने सीखा ये प्रोविजन के लिए यूज होता है, निषेध के लिए, आज्ञा के लिए, जब हमें आज्ञा देनी हो किसी को। सो हम अब यूज ऑफ कोड की ओर बढ़ते हैं। यूज ऑफ कोड कहाँ यूज होता है। यूज ऑफ कोड वैसे ही यूज होगा जैसे हमारा कैन यूज हुआ था, बट ये क्या होता है, ये कैन का पास्ट टेंस है। इसका अर्थ सका, सका था, होता है और इसके प्रयोग निम्नलिखित है। कोड इज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन एंड यूजेस ऑफ अ कोड आर गिवन बिलो। ये भी शक्ति और सामर्थ्य के लिए, पर किसमें, पास्ट टेंस में। कैन क्या था, वो प्रेजेंट टेंस में था। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखे हैं, व्हेन शी वाज यंग शी कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच। यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है। आई वाज सॉरी दैट आई कुड नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी। यहाँ पर भी पास्ट जो बात दे चुके हैं, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आ सका। तो यहाँ पर क्या है, सका के लिए हमें क्या यूज करना है, कुड यूज करना है, क्योंकि ये पास्ट है। शी कुड नॉट पास द एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, वो एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट पास्ट पार नहीं कर सकी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैन में सका, सकता है, सकती है, ये यूज होता था। यहाँ पर सका, सकी, ऐसे यूज होता है। सो ये तो हमारा पहला पॉइंट था ए। दूसरा पॉइंट जो है हमारा कैन कुड का, वो हमें याद रखना है। कुड का एक दूसरा यूज भी है जो बहुत लोगों को पता नहीं था। कुड को हम विनम्र निवेदन के लिए यूज कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। इसके प्रेजेंट टेंस में हम यूज किया जा सकता है। अगर मे बी रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, पर कुड ज्यादा बेटर लगता है। जैसे कुड यू लैंड मी सम मनी फॉर टू डेज, क्या आप मुझे दो दिन के लिए थोड़े पैसे दे सकते हो। कुड आई यूज योर पैन फॉर अ मिनट, क्या मैं आपका पैन यूज कर सकता हूँ। कुड आई वॉक विद यू प्लीज। सो आप यहाँ देख सकते हैं इन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की जा रही है, पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है। तो कुड का यूज वही एबिलिटी और पावर के लिए, और सेकेंड कोड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। सो हमने कैन और कुड के पास कुड को समझा है। सो ये हमारे एग्जांपल्स थे कि इन जगहों पर आपको याद रखना है कि कैन और कुड का हमें यूज करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप द बेल आइकन एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।